हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कुलचा, जो बहुत ही टेम्पटिंग और यमी बनेगा। मेरे स्टाइल से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ले लिया जी हमने हाफ के जी चिकन चेस्ट जो है वो कट करके, और ये यहाँ पर आ गया हमारे पास धनिया और पुदीना चॉप्ट किया हुआ। एक कटोरी हमने ले ली है कर्ड की, और यहाँ ले लिए हैं जी कुछ मसाले, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून चिकन मसाला, 1/2 टेबलस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून आमचूर ले लिया है। तो अब हम इसकी मैरिनेशन को करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले ऐड करेंगे जी इसमें हम कर्ड जो हमने 1 बाउल में ली हुई थी। इसके बाद ऐड कर देंगे सारे मसाले। आप क्वांटिटी मसालों की तीखा या कम स्पाइसी लेना है उस हिसाब से रख सकते हैं। अब धनिया और पुदीना जो हमने फ्रेशली चॉप किया हुआ लिया था वो भी ऐड कर देंगे, और सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स ताकि ये कोट भी हो जाए और कहीं पर भी लम्स ना रहे किसी चीज के। चलाते रहेंगे इसको हम। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे ही ये हमारा मिक्स हो जाएगा, मिक्स करके अच्छे से सब मसालों को चिकन के साथ मैरिनेशन कर दिया जी कंप्लीट। अब एटलीस्ट इसको मैं रखूंगी 24 आवर्स के लिए मैरिनेटेड, उसके बाद हम करेंगे कुक, बिकॉज दिस इज एन ओल्ड रेसिपी और वी विल ट्राई दिस रेसिपी। बहुत ही जबरदस्त बनेगी और आप भी मेरे साथ साथ इसे फॉलो करके जरूर बनाइएगा। तो हम मिलते हैं अभी आपको 24 आवर्स के बाद। हाँ जी, तो हमारे चिकन को मैरिनेट हुए हुए 24 आवर्स हो गए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैरिनेट हुआ है ये। तो अब इसे हम कुक करना स्टार्ट करेंगे। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला हुआ है जी। तो अभी मैरिनेट चिकन को हम कर देंगे जी इसके अंदर ऐड। जैसे कि चिकन को कर दिया जी मैंने इसमें ऐड, अब इसको हम कर लेंगे जी 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे कुक। हिलाते रहिएगा ताकि आपका चिकन जो है वो जले नहीं। 5 मिनट गए जी वो, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा जो चिकन ब्रेस्ट है, चेस्ट है, जो वो कुक होनी स्टार्ट हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे जी 1 बाउल रेड टोमेटो केचप, साथ ही में ऐड कर देंगे 1 बाउल ग्रीन चिली केचप जो हमने बनाई हुई थी, और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स, जिससे कि फ्लेवर और भी बहुत ही जबरदस्त और टेम्पटिंग आएगा। एक बार मेरे स्टाइल से ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, आप भी कहेंगे बहुत ही यम बनी है। हाँ जी, तो ये मसाले हो गए हमारे अच्छे से मिक्स। इस पॉइंट पे हम इसको कर देंगे लिड से कवर 20 मिनट्स के लिए, और फ्लेम को कर देंगे मीडियम ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से हो जाए कुक। 20 मिनट्स हो गए हैं जी, तो अब चेक कर लेते हैं हम लिड को हटा के। देखिए हमारा जो ये है कितने अच्छे से कुक हो गया चिकन जो है। तो अब हम इसे फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे जो हम चिकन कुलचा बना रहे हैं उसके अंदर। हाँ जी, तो यहाँ ले लिए हमने कुलचे को, 2 कुलचे ले लिए, मायोस ले लिया, रेड चिली केचप ले लिया, चेदर चीज ले लिया और ग्रीन केचप ले लिए। तो अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपने कुलचा को। सबसे पहले ले लेंगे जी मायोनीस और उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे अपने कुलचा के ऊपर, क्योंकि मायो जो है वो बहुत ही क्रीमी और यमी होती है, तो इससे टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। अब लगा देंगे जी थोड़ी सी चॉप जो हमने कैबेज कट की हुई थी, उसकी थोड़ी सी ड्रेसिंग करेंगे अपने कुलचे पे। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप इंजॉय करेंगे, चाहे तो इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। साथ ही लगा देंगे जी अनियंस को, जो मैंने राउंड राउंड सर्कल्स में कट किया हुआ है। और अब आ जाएगी जी अनियंस के साथ साथ हमने जो चिकन बनाया हुआ था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल हो जाएगा। थोड़ा सा फैलाते हुए डालिएगा, धुएं बहुत जबरदस्त आ रहे हैं क्योंकि अभी अभी जो चिकन है वो हमारा कुक्ड हुआ है। एक प्रोटीन रिच स्नैक्स हम बना रहे हैं। आप चाहें तो आपके घर में अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उन्हें भी आप ये बना के खिला सकते हैं। ये देखिए, ये हो गई हमारी फिलिंग। इसके ऊपर अब हम लगा देंगे जी रेड केचप,
थोड़ी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर रही हूँ क्योंकि मैं रेड केचप इतनी नहीं लेती हूँ। अब आ जाएगी ऊपर से ग्रीन केचप हमारी। आप कम या ज्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से केचप को रख सकते हैं। साथ में स्प्रिंकल कर दीजिए चेदर चीज जो हमने ऑलरेडी जिसको ग्रेट कर लिया है, जिससे कि टेक्सचर और ज्यादा हमारे कुलचास का क्रीमी हो जाए। और कर दीजिए अपने कुलचा को टक। ऐसे ही मैं बाकी कुलचास को भी रेडी कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं जी आपसे। यहाँ कर लिए जी मैंने दोनों कुलचे जो है अपने रेडी, जैसे आपको दिखाया था दूसरे वाले को भी। तो अब इसे हम गर्म कर लेते हैं थोड़ा सा। तवे पे बटर हमने लगा लिया ऑलरेडी, ग्रीस कर लिए तवे को। इसको अब हम अच्छे से सिकने देते हैं एक साइड से, फिर इसकी जो सेकंड साइड है उसको फ्लिप करेंगे। विद इन 1 मिनट जो है हमारी एक साइड जो है वो गर्म हो जाएगी अच्छे से और क्रिस्पी क्रिस्पी भी हो जाएगी थोड़ी सी। अब कर लेते हैं जी फ्लिप बड़े आराम से। बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है जब आपको कुछ एक अलग स्नैक्स खाना हो, और आप इसे ट्राई भी जरूर करेंगे आई होप। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी है। दूसरी साइड भी हमारी जैसे कि सिक गई है जी, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही जो दूसरा लॉट है कुलचे का उसको भी हम गर्म कर लेंगे। ये देखिए जी हमारा यमी यमी चिकन कुलचा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, रेडी टू ईट। बहुत ही जबरदस्त लग रहा है देखने में, आपको भी लग रहा होगा। जरूर बनाइए और खाइए इस अमेजिंग कुलचा को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।